हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरे कृष्णा फूड व्लॉग्स। और आज की हमारी रेसिपी है आलू छोले। तो आपने छोले तो खाए होंगे। हमने छोले भी एक पंजाबी स्टाइल से बनाए थे, एक हमने चने बनाए थे, वाइट मटर बनाए थे। तो आपने आई होप ये वीडियो देखी होगी सारी। और अब हमने छोलों में आलू का ट्विस्ट ऐड किया है, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हमें हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले आलू। मैंने छोले को बॉईल करके रख लिया है। इस बॉईल करते समय थोड़ा सा आधा चम्मच अनारदाना पिसा हुआ और नमक डालकर इसे मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसके तड़के के लिए सामान तैयार है। अदरक लहसुन की पेस्ट, प्याज, टमाटर, आलू जो मैंने काट कर इसको नमक और हल्दी के पानी में रखे हैं, नहीं तो ना कि काले ना पड़ जाए। सूखे मसाले, मोटी इलायची, चार हरी मिर्च, कसूरी मेथी, जीरा और हींग। अब हम तड़का लगाएंगे। ऑयल गरम हो गया है हल्का हल्का, हींग हो गई है। हरी मिर्ची को ना छोटा सा कट जरूर लगाना, नहीं तो हरी मिर्ची फट जाती है। अब ये सब मसाले कसूरी मेथी को छोड़कर बनता के सब मसाले हल्के से भून लेंगे। मसाले भून गया, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज के साथ ही डाल देंगे कसूरी मेथी। अब इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम भूनेंगे। भून रहे हैं, हल्के सा कच्चापन खत्म हो गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। 5 मिनट के लिए इसे फिर से हम भूनेंगे। प्याज भून कर रेडी है, प्याज हो गए हैं ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, लाल मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक हमने पहले भी डाला था तो इसलिए हम उस हिसाब से ही डालेंगे, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल ज़्यादा। हमने डाला बिल्कुल थोड़ा सा चने का ही पानी डाल दिया ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और मसाला मिक्स हो जाए। भून गया मसाले ने अपना घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। साथ में डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला, 1 चम्मच भर। इन छोलों के साथ हम आलू पूड़ी भी खा सकते हैं, आलू छोले पूड़ी, भटूरे भी बना सकते हैं, छोले चावल।
चावल भी बन सकते हैं, वो आपकी ग्रेवी पर डिपेंड करता है आप कैसी ग्रेवी बनाना चाहते हैं। अगर छोले भटूरे खाने हैं तो इन छोलों को सुखा लो, कम ग्रेवी बना लो। अगर चावल के साथ खाना चाहते हो तो थोड़ा सा ग्रेवी को पतला कर लो। अब हम इसको 10 से 15 मिनट इसको सिम पर पकाएंगे। हमारे छोले आलू बनकर तैयार है, ऊपर से हमने हरा धनिया प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये छोले आलू कैसे लगे। थैंक यू।